अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इससे पहले प्लाजो पैंट की कटिंग हमने आपके साथ शेयर की थी और आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। प्लाजो की पॉकेट निकालने के लिए 12 इंच का हमको फैब्रिक लेना है, उसको डबल फोल्ड करना है। ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रखा है। इसमें ऊपर की जो नाप है वो 6 इंच है और नीचे की नाप 7 इंच। ये पॉकेट के नीचे के कॉर्नर को हमें कट करना है। 1 इंच तक आप बीच में निशान लगाइए और गोलाई से उसको मिलाते हुए कट कर दीजिए। के ऊपर जहाँ हम सिलाई देंगे आधा इंच छोड़कर निशान लगाइए और एक कट लगाइए और जितने में हमारा हाथ अंदर जा सके सामान रखने के लिए 5.5 या 6 आप रख सकते हैं। दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेते हैं। एक पाई की हमें इसमें सिलाई देनी होगी और ऐसे ही हम प्लाजो पर भी करेंगे। पॉकेट तैयार है, एक लगाना चाहते हैं तो एक लगा लीजिए और दूसरा कपड़ा लेकर आप दूसरे भी पॉकेट की इसी को रख के कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रॉच एरिया को जोड़ना होगा, इसलिए पहले हम क्रॉच एरिया पर म्यानी जोड़कर उसको तैयार करेंगे। हमने इस पे म्यानी तैयार की है। पॉकेट के 6 इंच के हिस्से को ऊपर रखेंगे और 7 इंच के हिस्से को नीचे रखेंगे और 6 इंच पर ही हम एक निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को छोड़ते हुए दूसरे साइड पर हम पॉकेट के कपड़े को रखेंगे। अंदर की तरफ हम सीधे वाले हिस्से रखते हुए उल्टे उल्टे हिस्से आगे की तरफ करेंगे और एक पैर की सिलाई हम कट से लगाएंगे। और जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी हम इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ फैब्रिक को मोड़ देंगे। कपड़ा मोड़ने के बाद ऊपर से जो हमने आधा इंच कट का निशान लगाया था उस फैब्रिक को बाहर कर लेंगे और नीचे से भी बाहर दोनों पार्ट निकाल लेंगे और पॉकेट पर जहाँ से हमको हाथ डालना है दोनों पार्ट्स की सिलाई पर एक पैर की सिलाई देंगे। 6 इंच फैब्रिक को पलट लेंगे और इसकी चारों तरफ स्टिच करेंगे। हो चुकी है, अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पॉकेट सिल ली है, ये पोर्शन हमको बाहर की तरफ निकालना है और पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमको यहाँ से स्टिच करना है। बैक पोर्शन को भी हम इसके ऊपर रख देंगे और पॉकेट को छोड़ते हुए हम किनारे किनारे सिलाई देते हुए जोड़ेंगे। पॉकेट को फोल्ड करके अंदर करने के बाद उसको फ्रंट पार्ट की तरफ मोड़ देंगे और ऊपर से उसको सिल कर जोड़ देंगे और पूरी सिलाई हम पैंट की कर लेंगे। जोड़े हुए दोनों हिस्से पर ऊपर की तरफ से हम पूरे पैंट पर सिलाई देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम म्यानी के भी हिस्से को रखकर और बैक पार्ट को रखकर दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। दोनों म्यानी जुड़ने के बाद म्यानी के ऊपर से हम सिलाई पर सिलाई दे देंगे और दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। इस तरह से प्लाजो के दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। दोनों तरफ की पॉकेट तैयार हो गई है, ये देखिए। अब हमको चाहिए है बेल्ट के लिए या बेल्ट की पट्टी। क्रॉच एरिया से सिलाई लगाने के लिए हम बाद में सिलाई करेंगे, पहले बॉटम फोल्ड करते हैं। ये जो 2.5 इंच का निशान है यहीं से हमको
हाफ इंच मोड़कर अंदर की तरफ और फिर पूरा फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कीजिए, लेकिन बखिया बड़े साइज़ का लगाइए। बाद में हम उसको खोलकर उस पर तुरपन करेंगे। बॉटम फोल्ड हो चुके हैं, अब इसको इस तरह से मोड़ते हुए हमको 7 इंच मोहरी नाप लेकर सिलाई करनी है साइड से। सिलाई हो गई है और बॉटम भी रेडी है। कमर पर 2 इंच की पट्टी लगाने के लिए या बेल्ट लगाने के लिए हमने फैब्रिक को जोड़ जोड़ कर 5 इंच लंबाई की और 56 इंच ब्रॉडनेस लेते हुए इस पट्टी को तैयार किया है। इसमें हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। इसको हमें सिलना है अपने बेल्ट के प्लाजो के नीचे वाले पोर्शन से। इस बेल्ट को हमें जोड़ना है पूरे राउंड में और इसके कॉर्नर को आप पहले से भी सिल कर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ राउंड में जोड़ दीजिएगा। और या फिर एक साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई कीजिए और फिर पूरा राउंड सिलने के बाद फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बचेगा, उन दोनों को मिलाकर आप जोड़ दीजिए। इस तरह से आपकी बेल्ट रेडी हो जाएगी। चारों तरफ पट्टी जुड़ गई है, अब इसको हमें यहाँ से सेंटर से सिलाई देना है और इसको आपस में जोड़ना है। इलास्टिक मेजरमेंट आप अपनी वेस्ट से ले लें या फिर आपकी कमर अगर 36 है तो 4 माइनस करते हुए 32 लीजिए और उसमें 1 इंच प्लस कीजिए स्टिचिंग के लिए। 17 इंच का ये इलास्टिक डबल हो जाएगी और आपके वेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ही ठीक बैठेगी, लूज भी नहीं होगी। कॉर्नर पर 1/2 इंच की सिलाई दे दीजिएगा और उसको मोड़कर उसके किनारे किनारे भी उसको बिठाकर सिल दीजिएगा। कमर पर सीधी तरफ से इलास्टिक रखिए, गोल वाला हिस्सा ऊपर ही सिला जाता है। इलास्टिक को अंदर रख दीजिए और थोड़ा सा बढ़ाकर सिलना है। थोड़ा सा सिलने के बाद इलास्टिक को इस तरह खींचते हुए आप चुन्नटों को पीछे करते रहिए और इलास्टिक को आगे करते हुए इलास्टिक को बिना जोड़े सिलाई कीजिए। स्टिचिंग कंप्लीट है, अब इसके बीच में हम एक सिलाई और देंगे ताकि ये सारे रिंकल सिलवटे हैं वो बैठ जाएं। प्लाजो पैंट बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।